मॉर्निंग बीएड फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री पैडागोजी में आपका स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री पैडागोजी के अंतर्गत पढ़ेंगे समाज सुधारकों के बारे में। तो जैसा कि कल हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। हमारा मन है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज सुधारक के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अंतर्गत उनका समाज सुधारक के अंतर्गत अग्रणी नाम लिया जाता है। तो हम स्वामी सूर्य के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में उनकी जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म है वो कब होता है, इनका जन्म होता है वो जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में होता है। एक कहाँ पर होता है इनका जन्म, गुजरात के टंकारा क्षेत्र के अंदर, काठियावाड़ जिले के अंदर। कहाँ पर, काठियावाड़ के अंतर्गत है, एक गुजरात राज्य के अंतर्गत इनका जन्म है वो। इनके पिता का नाम था कृष्णलाल जी तिवारी। पिता कौन थे, पिता का नाम था कृष्ण लाल जी तिवारी। और जब माँ के माता थे उनका नाम था यशोदा देवी। और इनका जन्म यशोदा देवी थी। और ये इनका जन्म एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक ऑफिस के अंदर कलेक्टर के रूप में कार्य करते थे, इस कारण वे एक संपन्न ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे, संपन्न ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध था, ब्राह्मण परिवार से। इनके जो गुरु का नाम था वो क्या था, इनके गुरु थे उनका नाम था गिरजानंद जी। इनके गुरु इस प्रकार से ये इनका परिचय था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु अजमेर में, इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में। ये मृत्यु कब हुई थी, अजमेर के अंदर हुई थी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में हुई थी। और उन्होंने 1875 के अंतर्गत 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना, किसकी स्थापना, आर्य समाज की स्थापना। और एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सत्याग्रह। इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती का यह जीवन परिचय था। उनका जन्म है वो कब होता है, 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात राज्य के अंतर्गत। उनके पिता का नाम है कृष्ण लाल जी तिवारी, उनकी माता का नाम है यशोदा देवी था। और ये संपन्न ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध था। इनके गुरु थे गिरजानंद जी महाराणा थे। और इनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, अपने राजस्थान के अजमेर में, जब हुई थी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई के अंतर्गत की थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। मुंबई के अंतर्गत आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य लक्ष्य था, उद्देश्य था कि व्यक्ति का शारीरिक आध्यात्मिक एवं सामाजिक उन्नति करना, हर व्यक्ति की। इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने विविध प्रकार के सामाजिक कार्य किए हुए। इस प्रकार उनके सामाजिक कार्य के अंतर्गत सर्वप्रथम
um tempo, antes de mais. Talvez outro. स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक कुर्तियां और अंधविश्वास का विरोध किया। समाज के अंदर फैल रही विभिन्न प्रकार की व्यायाम सामाजिक कुर्तियां जैसे बाल विवाह है, विधवा विवाह, विधवाओं के साथ में विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, विभिन्न प्रकार के नारियों को डाकन भत्ता प्रथा आदि पर्दा प्रथा आदि सामाजिक कुर्तियों का विरोध के साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को भी दूर करने में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। मूर्ति पूजा का घोर विरोध करने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि ये उन्होंने बचपन में ही एक बार ये भगवान शिव के मंदिर पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर चूहे हैं वो दूध पी रहे थे या तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया भगवान और उन्होंने भगवान के निराकार रूप को अपनाया। इसके साथ में एक क्रम सिद्धांत पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कर्म सिद्धांत पर विशेष तौर से बोल दिया। वह उनका मानना था कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, अर्थात व्यक्ति को हमेशा अपने निरंतर रूप से अपना कर्म है वो करते रहना चाहिए, उसे फल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी चाहिए। उस व्यक्ति जैसा फल कर जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यदि व्यक्ति सफलता पाने के लिए मेहनत नहीं करेगा तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। इस कारण उन्होंने कर्म सिद्धांत पर विशेष बल दिया। साथ ही दलित समुदाय के उद्धार के लिए दलित समुदाय के उद्धार स्वामी दयानंद सरस्वती ने दलित समुदाय के उद्धार हेतु विशेष रूप से कार्य किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने दलित समुदाय के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी है वो आपको उनके कार्य के माध्यम से प्राप्त होती है। उन्होंने दलितों के लिए विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना की, जैसे वैदिक स्कूल है आदि, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने दलित समुदाय के साथ में होने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभावों को दूर करने के लक्ष्य में विभिन्न प्रकार के कार्य किए। इस प्रकार से दलित समुदाय के प्रति भी उन्होंने जो व्यवहार था वो काफ़ी नम था। इस प्रकार से दलितों के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें उठाई। नेक्स्ट है विधवा विवाह स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किस कारण किया कि प्राचीन समय के अंतर्गत हमारे देश के अंतर्गत विधवाओं की स्थिति थी वो काफ़ी रोशनी थी। विधवाओं को समाज में कलंक के नाम से जाना जाता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह के संबंध में काफ़ी समर्थन किया। विधवाओं की स्थिति ऐसी होती कि उनको कहीं कहीं सहदे कथा के लिए जबरदस्त मजबूर किया जाता था और साथ ही विधवाओं के जो केश होते थे उनको भी काट दिए जाते थे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से विधवाओं को यातना दी जाती थी, यहाँ तक कि शुभ अवसर के देते विधवाओं को घर से बाहर वो नहीं आने दिया जाता था और शुभ अवसर में उनका सम्मिलित नहीं किया जाता था। ऐसी स्थिति भयानक स्थिति को देखते हुए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज सुधार के अंतर्गत अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण का निर्माण किया। इस प्रकार से यह स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में महत्वपूर्ण तर्क थे। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।